श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्ते दोस्तों, आपका क्रिएटिव भगवान में स्वागत है। नाग पंचमी तिथि पर करें ये उपाय, काल सर्प दोष से मिलेगी मुक्ति, नौकरी में होगी तरक्की और बहुत सारे उपाय इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आखिरी तक देखिए। कल है 21 अगस्त। इस दिन नाग पंचमी का पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा। सावन महीने के पंचमी तिथि पर यह नाग पंचमी मनाई जाती है। इस सावन के महीने में सोमवार के दिन नाग पंचमी का पर्व पड़ने से इस बार नाग पंचमी का महत्व काफी बढ़ गया है। नाग पंचमी के दिन उपवास रखना है। इस दिन नाग देवता की पूजा करनी है। नाग देवता का पूजन करने से नाग पंचमी के मंत्रों का भी जाप किया जाता है। इस दिन रुद्राभिषेक करने से भी काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, चीनी चढ़ाएं और इन बातों का ध्यान रखें कि जल पीतल के ही लोटे से अर्पित करें। नाग पंचमी के पावन पर्व पर नाग देवता की पूजा करने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं और हमें काल सर्प दोष, राहु केतु दोष नहीं लगते हैं। इससे भी और उपाय हमने करने चाहिए। नाग पंचमी के दिन कुंडली के दोषों से मुक्ति पाने के लिए मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के पास मोर पंख लगाए। इस दिन राहु केतु के प्रभाव को शांत करने के लिए राहु यंत्र को किसी नदी या फिर बहते हुए जल में प्रवाहित करें। इसके साथ ही नागों के 12 नामों का जाप करने से भी नाग देवता प्रसन्न होते हैं। काल सर्प दोष या राहु केतु दोषों को दूर करने के लिए नाग पंचमी के दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा करें, क्योंकि इस दिन सावन का सोमवार है और इस सावन सोमवार में रुद्राभिषेक करें, महामृत्युंजय जप का जाप करें। तो फ्रेंड्स, यह विधि करने से हमें काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी के दिन कुछ बातों का भी ख्याल जरूर रखें। नाग पंचमी के दिन किसी के लिए अपने मुख से कोई गलत शब्द ना निकाले। इस दिन भूमि की खुदाई ना करें। खेतों में हल चलाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। नाग पंचमी के दिन नुकीली और धारदार वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें। इस दिन लोहे के बर्तन का भी इस्तेमाल ना करें। कुछ काटना भी अशुभ माना जाता है, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसे लगा यह प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।